लड़कियों ने जो एक प्रोस्टिट्यूट किया, प्रोस्टिट्यूट अपने बात पे आ जाए नॉर्मल लाइफ से वो किस हद तक जाके समाज को एक मैसेज दे सकती है, एक लाइन इस कहानी की। और अब मेरी एक्स वाइफ के डायरेक्टर जो है इरफान जो है मेरे साथ रामा रामा क्या ड्रामा में जो एडिटर मेरे साथ जुड़े थे, इरफान ने मेरे साथ उसके बाद मेरी फिल्मों में एडिटिंग की और काफ़ी जो है उसने जब जब हम लोगों ने शूट किया कई चीज़ें शूटिंग में हम लोग जब करते हैं कितना कुछ छूट जाता है कितना कुछ मिस हो जाता है और एडिटिंग के टेबल पर आके जब एडिटर उसको संभालता है और ठीक करता है तो इरफान ने हमेशा जो है मेरी फिल्मों में मुझे संभाला है। जब ये कहानी में मैं चाह रहा था कि किसी करेक्टर को ब्रेक दिया जाए जो कि बेसिकली करेक्टर ना हो लेकिन उसको सबसे ज़्यादा डायरेक्शन आता हो क्योंकि फिल्म बनती टेबल पे या तो राइटिंग पे या एडिटिंग पे, तो मैंने इरफान का नाम मुझे जहन में आया और इरफान उसके बाद काफ़ी तकरीबन 17-18 फिल्में एज एडिटर कर चुका है तो मैं चाहूँगा इरफान स्टेज पे आए। Has edited more than 80 films, edited Aashiq Banaya Aapne, Will You Marry Me, Rama Rama Kya Hai Rama, and also Be Careful. Thank you so much. कहानी तो वैसे सबकी अच्छी है, आप लोगों ने काफी कुछ सोच चुके हैं पिक्चर के बारे में। सर जो है हम सबको यानी हम सबको ही एक राह दिखा रहे हैं कि हम लोगों को आगे फ्यूचर में क्या करना है। जितने भी यहाँ डायरेक्टर्स खड़े हैं इन सब में सबसे कम एक्सपीरियंस मेरा ही होगा पर डायरेक्टर क्योंकि अब तक मैं पर्दे के पीछे ही था, अब जब शूटिंग पर जाऊँगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली डायरेक्टर की हालत क्या होती है उस वक्त जब वो सेट पर होते हैं। पीछे से बोलना काफ़ी आसान होता है एडिटर के लिए कि आप ये शॉर्ट मिस कर चुके हो आपको ये सब कुछ काम करना चाहिए था जो आप मिस कर चुके हो, बट आप मुझे भी लेसन मिलने वाला है कि जब सेट पर होता हूँ सेट पर रहूँगा तो मेरा क्या हाल होने वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर चंद्रकांत जी को काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग, थैंक यू कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त लेके यहाँ पे हमारे फिल्म के मॉडल के लिए ब्लेसिंग्स के लिए दिए देने के लिए आए हैं। जैसे कि चंद्रकांत जी ने कहा पहले भी काम करने वाले थे हम, तो इस बार उन्होंने कहा कि दो जो दोस्त हैं मेरे चंद्रकांत और सफिया दोनों ने कहा कि इस बार आपको करना ही है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ मेरे दोस्तों के लिए। बोनस ये है कि कहानी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है, अलग है। जैसे कि आपने अभी सुना 6 ड्राइवर्स इन वन फिल्म, आई थिंक दैट्स समथिंग न्यू। आई थिंक जिस कारण जो ने किया था उसके अलावा I don't think anyone's tried something like this, so it's very unique, it's very different. I'm really excited to work with Sophia again. We show kiya tha super duper ke jo Bindaas channel pe tha, uske baad phir se mauka mil raha hai to work with Sophia, so I'm really happy. Inshallah ye film bahut achhi banegi, we need your blessings and inshallah ye film will earn 6 times the amount of money. Multiply to 6. जब हम कास्टिंग के लिए बैठे थे तो हम ढूंढ रहे थे अरुणा को और मेरे डायरेक्टर रवि जी बड़े परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था अरुणा जो है वो कौन होगी। मैंने उनको जो है जब सुफिया के बारे में सजेस्ट किया तो उन्होंने उनको गूगल किया, बोले नहीं शी इज़ द परफेक्ट, अगर ये मुझे मिल जाए तो कहानी जो है जिंदा हो जाएगी। उस समय शी वॉज इन UK तो हम लोग जो है वो स्काइप और FB से टच में रहे एंड अल्टीमेटली शी अग्रीड और शी फ्लाई होम ऑल द वे टू UK जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड शी इज़ द वन हु एक्चुअली यू नो स्पोक टू अश्विनी एंड शी इज़ द वन हु प्रेशराइज हिम द प्रोजेक्ट, सो नाउ आई वांट हर टू बी ऑन स्टेज। Chandrika told me about the script
loved the concept. It's very female orientated, and I've been 1 year away from India. And I spent a year meditating, doing spiritual stuff, and I just want to work now in my life for things that move me and things that challenge me. I don't like to work for money. Money is money. We don't learn from money. We can buy things with money, but I want to live from my heart, which is why I've taken the script, because it's about female empowerment. It's about characters that are three-dimensional, and my character is, in fact, my character and the other female lead, Harmony, when you watch the film, you'll see that you're going to judge them, but at the end, your view will change completely. And that's what I like about it, and I've worked with Ashwin before, and I do have my first love scene. Who better to do it with than Ashwin now? We might have a problem with the beard. How does it feel? Anybody kissed somebody with a beard before that big? No? No one's kissed a man with a beard that big before? No one's going to volunteer, have you? I'll give you the hair. Acha kaha hai bibi? Nahi nahi. Main usko puchna chahti thi ki kaise hai kisi ke liye. Kaha hai? Beti ne. Beti. Acha aa jaye ek sawal puchu. Aapke daddy ne aapko puppy di hai bahut na? What? Your dad has kissed you before. Yes. How does the beard feel? दादी चुपता बेटा ना मैं पूछी थी टिकलिश होता है या नहीं yes so it looks like me and Ashmita are gonna laugh a lot because this is gonna tickle but I just want to thank Chandrika is a friend before we work together and coming back to a set where I'm with two really good friends is a pleasure and meeting Ravi he's a real creative when I speak to him he doesn't see the color red has 10 different shades And that's why I like Ravi. If he sees red, it might be a little bit pink in the corner or a blood red in the other side. So creativity with Ravi isn't one shade, which is why I'm so happy to work with his team. So thank you so much all for being here and thank you for all the other directors and you guys who don't do anything apparently. But no, thank you so much. And I'm really happy to be back in India. Thank you, Chandrika. And you know, in this particular story, we have two female lead actually. So the we've found our Aruna, but the struggle was on because we were still struggling to find Kamini. So then we find Andrea. So I would like Andrea to be on the stage. She's playing the other lead in the same skit. So when CK told me about that story, I was like, wow, I would love to do that film.
Without asking any payment, nothing. So he is the dear friend of mine. So I want Mr. Hemant Pandey to be on stage because he is the main in the particular story. Mr. Hemant Pandey. So she is shooting somewhere, but she will be reaching in another, say, half an hour time. So before that, I think Rashmi already here, so I like to call her. You have to be with me for 2 minutes. Rashmi Desai ji, the face of 2X. And now Rashmi is also here, so I would like her to be on the stage. The face of 2X. Still.
तुम भी खचा खच निकाल रहे हो वीडियोग्राफर। सोफी मेरा फोटो बाद में मिलना है। अश्विन राइट में, ये राइट राइट सर, यहाँ भैया मतलब भैया सर है राइट। व्हाइट लाइट क्यों मारे रहे, बंद कर दे ब्लू लाइट। मेरे किरदार का नाम है विष्णु, जो एक आर्किटेक्ट है और उसकी बॉस जो है
बहुत कमीनी है एक्चुअली इसके बॉस का नाम कामिनी है. इट्स एक्चुअली अ फिल्म विच टॉक्स अबाउट ह्यूमन रिलेशंस, डेल्व्स इनटू द साइकी ऑफ वुमेन. एक कोशिश की गई है औरतों की सोच को समझने के लिए, सिर्फ एक कोशिश की गई है. आई डोंट थिंक दैट एनीवन हैज एवर बीन एबल टू डिकोड फॉरगेट वुमेन बट एनीवन्स सोच एंड द वे पीपल थिंक. आई थिंक एवरीवन इज इंडिविजुअलिस्टिक. By and large, there are some things in general which may apply to a person, but I think everyone is an individual by themselves, and it cannot be a generalization. But this film definitely reflects on the dynamics between two ladies, two friends, and also how one innocent man gets caught in between these two ladies in the crossfire, and is the poor little puppet that is. He smiles when he talks about that he got stuck in between two girls. He smiles. बेचारा. I can't say too much more because it would reveal too much about the story. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. और जैसे कि सोफी ने कहा कि हाँ मैं दो लड़कियों के बीच में फंसा हुआ हूँ, तो it's going to be a hard shoot. सोफी आपने बताया कि एक साल बाद इंडिया वापस आ रहे हैं, तो आपने इस रोल के लिए एक साल के लिए मैं I've been in London, I've been meditating, I haven't worked, I wanted to take a year off work. और चंद्रकांत ने मुझे फ़ोन किया एंड देन वी वर स्काइपिंग एंड आई डिडंट वांट टू आई ऑलरेडी टर्न डाउन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स बिफोर आफ्टर कमिंग फ्रॉम बिग बॉस बट आई रेड दिस स्क्रिप्ट एंड व्हाट वाज रियली इंटरेस्टिंग मैंने गाना लिखा जो इंडिया में मेरी पहली रिलीज होगी. नाम है मैं लड़की हूँ और जो स्टोरी लाइन उसका था इट्स वेरी क्लोज टू द स्टोरी ऑफ दिस. She is an aggressor, she takes the man, she's sexually the confident one. Or his story maybe, it was almost the same, so it was a natural progression. And I think the writing is very, very good. It's about, you know, my character, she's sexually confident, she doesn't care about anything, she doesn't give a shit, you can bleep that. And which is great. She's just interested in the man for one reason, and one reason only is for her pleasure. Super Dude ke baad Ashmi ke saath wapas aap kaam kare, uske bare mein kya kahenge? Ashmi ke saath kaam karna bahut maza aata hai hamesha hamesha. Jaise hum bahut maza aur masti karte hain kaam se zyada, hai na? Of course, always. Actually, Sophie ne hi mujhe फोन करके कहा कि अश्मित मैं ये फिल्म कर रही हूँ और मैंने बोला बहुत किसिंग होगा और मैं कुछ आम आदमी के साथ किसिंग नहीं करना, आपके साथ ही करूँगी. और मैं अगर तुमने ये फिल्म नहीं किया तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, तो तुझे ये फिल्म करना ही पड़ेगा. बट यार जोक्स अपार्ट आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड चंद्रकांत जी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन. जैसे कि चंद्रकांत जी ने भी कहा इट अप्रोच मी फॉर हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू रामा रामा क्या है ये ड्रामा. लेकिन उस वक्त डेट्स के वजह से मैं वो फिल्म कर नहीं पाया, लेकिन अब ये फिल्म कर रहा हूँ एंड इट्स ग्रेट बिकॉज़ आई गेट टू वर्क विद सोफिया अगेन एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट शूट. वी विल हैव लॉट्स ऑफ थैंक यू. आई यू वाच इट वर्ल्ड कप रेगुलरली? एक होली सर, होली अच्छा होली होली दिस वीकेंड इज अ होली सो मैं जानती हूँ मैं इतना कोकोनट नहीं हूँ. आई गोइंग टू सेलिब्रेट होली इन इंडिया. हम यहाँ सेलिब्रेट तो करेंगे. वी आर सेलिब्रेटिंग होली इन इंडिया बट वी आर शूटिंग. हम इंदौर में होंगे, हम इस फिल्म की शूट पे होंगे इंदौर में, सो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे. मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, वो मेरे ऊपर लगाएगा और पूरी यूनिट सोफिया के ऊपर लगाएंगे. हम शूट पे होंगे. आई थिंक वी टेक मे बी एन आवर ऑफ फ्रॉम शूट एंड सेलिब्रेट ऑन सेट. होपफुली देयर विल बी अ नाइस कलरफुल सेट फॉर अस. डेफिनेटली. या वी विल डेफिनेटली. व्हिच ऑफ अश्मित्स फिल्म्स हैव यू लाइक द बेस्ट? ऑल ऑफ देम. I love Ashmit. Okay. He's a great actor, he's good fun, he's a good friend. Yes. I love Sophia too. She's a great singer. Great. Are you writing lyrics and sing for this movie also? Yes, the song is called Song Gana Gana Mein Main Ladki Hoon. Ye is picture mein bhi hogi. Aur ye launch agle hafte hoga. Lekin usme hum reshoot karenge Ashmit ke saath. Okay, the same song. Yeah, the same song, because I recorded and produced this in London with a different actor, and Chandrakant really loved the song, and it's very fitting to this as well, you know, as I said before. Yeah, well, it's because I did that before Chandrakant approached me about the film, and it's very much the same storyline, very much the same. This is Yogesh Deshpande from Bright.
पूछो सर, ये छह फिल्मों को एक फिल्म के अंदर बना के और छह डायरेक्टर्स, चार डायरेक्टर, चार ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था? ये काफ़ी मेरे सीनियर लोगों ने काफ़ी कुछ किया हुआ है तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और मेरा हमेशा से जो है वो आदर्श रामू जी और करण जौहर साहब और आदि चोपड़ा साहब रहे हैं, जिन्होंने इतने यंग टैलेंट को ब्रेक दिया, अपने प्रोडक्शन हाउस में इतनी फिल्में बनाते रहते हैं। मैं भी ये चाहता था कि जब मेरा एक सीकेआर शुरू हो तो मैं साल में एक फिल्म करूँ, लेकिन बनाऊँ चार और तीन और लोगों को ब्रेक दूँ। तो पहली बार एक प्रयास किया जिसमें एक ही फिल्म में छः डायरेक्टर एक साथ लॉन्च हों और काफ़ी नए लोगों को मौका देने की कोशिश की। और लेट्स होप के जो है वो जो सोच के एक बीड़ा उठाया है वो हम सही तरीके से कर पाए। तो देखिए म्यूज़िक से इस कहानी में जो है चार गाने हैं और इस फिल्म में जो गाने हैं वो इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सारे गाने जो एक्चुअली वो सीन है, ऐसा नहीं है गाने जो है वो म्यूज़िकल गाने, म्यूज़िक है क्योंकि हिंदुस्तान में म्यूज़िक इंजीनियर का काम करता है। बगैर म्यूज़िक के जो है गाना अगर नहीं हो फिल्म में तो फिल्म जो है वो अपील नहीं करती है, इसलिए म्यूज़िक हिंदुस्तानी सिनेमा का एसेंशियल पार्ट है। लेकिन मेरी इस फिल्म में चारों गाने जो है वो असल में सीन से और वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्डन, इसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, इसमें श्वेता तिवारी है, इसमें रश्मि देसाई है, इसमें सोफिया हयात है, अश्मित पटेल है, हेमंत पांडे है, राजेश शर्मा है, सोनाली राउत है, इसमें टोटल 45 एक्टर हैं। भाई मुझे ये नहीं मालूम है कि इतने सारे एक्टरों को हम लोग कैसे संभालेंगे, कितना कुछ होगा, बट इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी स्टार कास्ट फिल्म ऑफ बॉलीवुड। मुझे नहीं समझ आया, सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए। इस फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म में आपका इसमें इस फिल्म में छह छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उसके द्वारा एक नरेटर अपनी कुछ बातें रखने की अपॉलोजीज सॉरी कैन वी डू इट अगेन। ये जो फिल्म है उसमें छह छोटी छोटी स्टोरीज है और एक किताब के ऊपर ये स्टोरी बनाई जा रही है, जिस किताब का नाम है 6X। एक राइटर है, वो लेखक अपनी सारी अपने विचार और अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस उस बुक में लिखते हैं, तो उसे उसी में की कहानी है, राजस्थान की कहानी, वो मैं निभाने जा रही हूँ। म्यूज़िक यहाँ अलग चार चार डिफरेंट म्यूज़िक गाने मिलेंगे हमको। मुझे जो उन्होंने सुनाया था वो बहुत ही हैप्पी और सैड वर्जन था, बिकॉज बहुत ही देसी टच है उस गाने में, वो ज़्यादा हिप हॉप नहीं है, या आप पार्टी में नहीं बजा सकते हो, या आप आराम से कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ ऐसे आराम से सुन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग, जो आप महसूस करते हैं उसके बारे में है। तो जो मैंने गाना सुना है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। देन म्यूज़िक इज़ समथिंग वेरी टचिंग, आपको आपका मूड चेंज कर देता है। होली के बहुत सारे प्लान्स हैं और काम भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो नाउ लेट्स सी, बट थोड़ी देर भी ज़रूर जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगी जरूर। आप सभी को रश्मि देसाई की तरफ से होली की ढेर सारी बधाई, हैप्पी होली टू यू ऑल। थैंक यू।